जखनी के सबसे प्रामाणिक गवाह हमारे बीच हमारे जल सचिव महोदय यूपी सिंह जी हैं। हम चाहेंगे कि वो अपने अनुभव के साथ जो जखनी जाने से उनको महसूस हुआ वो देख के अपना बयान करें। हालांकि बहुत बड़ा बयान वो दे चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बयान है और हर जगह इस बात की चर्चा भी होती है। मंचस्थी अतिथिवृंद भाइयों बहनों, मैं तो थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। वैसे भी जैसा बताया गया मैं तो आज यहाँ बिन बुलाए मेहमान की भूमिका में आया हूँ। मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में सच्ची बताया पता नहीं था। ये जो अभी भद्र महिला आई हैं इनसे मेरी परसों शायद बात हो रही थी तो उन्होंने आज के कार्यक्रम के बारे में कहा तो मुझे लगा शायद उनको कुछ गलतफहमी हुई है क्योंकि कल बड़ा सा कार्यक्रम जो था जिसमें सब लोग थे, काफी लोग इसमें से बैठे हैं आज यहाँ, कल भी थे। कल एक कंस्टिट्यूशन क्लब में हमारे ख्याल से 35 से ज्यादा जो जल प्रहरियों को कल पुरस्कार दिया गया था तो उसका एक बड़ा सा 50 चलिए स्टैंड करेक्टेड तो 50 लोगों को कल जो है 50 से ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिया गया था तो मुझे लगा शायद उसी कार्यक्रम की बात कर रही है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ जखनी की बात भी की तो फिर मैंने उमा शंकर जी का फोन नंबर मेरे पास था तो मैंने उमा शंकर जी को फोन कर दिया कि भाई उमा शंकर जी क्या आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं क्या। तो उमा शंकर जी ने बताया कि हाँ हाँ आज के बारे में उन्होंने बताया। और मेरी आज समस्या ये थी कि आज ऐसा एक दिन था जिसने आना मेरे लिए आज एक नई वाटर पॉलिसी बनाने के लिए करीब 32 जो पूरे देश के जो जल के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आज बुलाया हुआ था। 10-10 मिनट उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है, अभी भी वो मीटिंग चल रही है। तो मैंने इनको कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए फिर भी आऊँगा। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ऐसा है कि देखिए मैं अनुपम मिश्र जी से कभी मिला नहीं लेकिन मैंने भी उनकी किताब जो है वो पढ़ी हुई है, हमने लाइब्रेरी में भी खरीदी है, कई लोगों को प्रेरित कर भी रहे हैं कि वो भी पढ़े। तो उनके बारे में उन्होंने जो कहा जितनी उनकी बातों में क्लैरिटी है, मुझे लगता है कि जब पानी की बात करता है तो बहुत कम लोग हैं जिनमें वैसी क्लैरिटी है, मतलब केवल भाषा पे भी पकड़ है और साथ में विषय पे भी पकड़ है। तो एक तो उनकी आज पुण्यतिथि है तो हमारे ख्याल से इसलिए मैंने समझा कि मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसा है कि जैसा कि उन्होंने बताया जखनी जाने का भी या बांदा जाने का की भी एक छोटी सी कहानी है। मैं क्या करता हूँ आजकल पिछले 2 सालों से मैं करीब ये जो जल शक्ति विभाग अब है, पहले नाम इसका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन था, तो मैं कुछ ना कुछ पानी के बारे में ही ज्यादा, वैसे पढ़ने लिखने का शौक है, बहुत चीजों का शौक था लेकिन आजकल पानी पे ही ज्यादा पढ़ता हूँ। चाहे यहाँ के लिए नदी पे बात हो, पानी पे बात हो, पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ वीडियो भी देखता रहता हूँ कहीं जाके। आजकल तो यूट्यूब सब जगह काफी इन्फॉर्मेशन होता है तो मुझे कहीं से एक वीडियो मिला वो जो बांदा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हीरा लाल जी उसमें कुछ कुआं तालाब जियाओ अभियान उसके बारे में कुछ बता रहे थे, कुछ फोटो भी था वो बता रहे थे। तो मैंने देखा कि देखिए मैं तो लोग कहते हैं भारत सरकार का सचिव ज्यादा व्यस्त होता है, गृह सचिव थे, मुझे लगता है कि जो जिले में जो डीएम्स होते हैं ना वो ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो मैंने थोड़ा डरते डरते एक छुट्टी के दिन जो है उनको एक फोन लगाया, उनका नंबर कहीं से लिया, उसके बाद उनको फोन लगाया तो मैंने सुना मैंने आपका वीडियो देखा आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने तो अपनी तरफ से भी पेशकश की कि मैं कभी आके आपके यहाँ का काम देखना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये कुआं तालाब जिंदा करने की बात बड़ी अच्छी लगी है एक्चुअली, क्योंकि मैं भी गांव के परिवेश से आता हूँ। कुआं तालाब कल भी मैं बता रहा था कि कैसे मैं बचपन में जब भी होता था, जैसे दीपावली की बात की, इस बार इन्होंने दीपावली बनाई उसको भी मैंने पोस्ट किया था कि दीपावली में कैसे इन्होंने कुओं और तालाबों पे दीप जला के दीपावली मनाई। तो हम भी यही करते थे बचपन में, जो है वो किसान परिवार से आते थे तो सबसे पहले जैसे दिया होता था, एक दिया जो है वो बैल गाय के घूट पे रखा, एक उनके नाद पे रखा, एक जो है वो हल पे रखा, हर खेत में एक दिया डाला, उसी तरह होता था कुएं और तालाब में भी दिया जलाते थे क्योंकि पानी का कनेक्ट जो है, कहा जाता है कि भाई हमारे लिए तो भारत में तो हमारे मंत्री जी भी कहते हैं कि जल को जगदीश का दर्जा दिया गया है। तो हमको लगा कि चलो ये बड़ी अच्छी बात है, जब लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं कुएं तालाब को लोग भूले जा रहे हैं तो वहाँ कोई बंदा है जो कुएं तालाब को जिंदा करने की बात कर रहा है। तो फिर मैं वहां पहुंचा, एक आफ्टरनून में पहुंचा, फिर उसमें जखनी भी किया, यहाँ तक कि एक दिन तो रात को वहां दो बजे तक वहां कवि सम्मेलन हुआ। मुझे नहीं पता था कि बांदा में मतलब इतना साहित्यिक और इतनी चीजें मतलब इतना ज्यादा भरपूर है,
2 बजे तक जो कवि सम्मेलन चला वो कवि सम्मेलन केवल पानी के ऊपर चला। तो हमने काफी कुछ देखा। हमने भी उस दिन जो बाकी करीब 7,000 कुओं पे 5-5 महिलाएं थी उन्होंने दीप दान किए तो हम लोग भी गए। और संजोग ऐसा हुआ कि जैसे ही हम एक कुएं पे पहुंचे दीप जलाया इतनी जोर की बारिश होने लगी जबकि वो बारिश का उस समय तक मानसून का सीजन नहीं आया था पर बड़ी जोर की बारिश हुई एक्चुअली। तो हमने भी दीप दान किए। तो मैंने जो देखा तो इनका तो यही है कि कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारा जो मैं सरकारी आदमी हूँ इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के ही बातें करूंगा कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि आप लोग कर सकते हैं आप लोगों में कर क्या। तो कई सारे जो हमारे मॉडल्स हाँ मर्यादा तो एक है ही है जिस आप नौकरी कर रहे हो तो बहुत सारे हमारे मॉडल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के मुझे तो लगता है कि भाई सब लोग जैसे मेरे पास आज जो भी आता है वो खाली टेक्नोलॉजी की बात करता है और फंड्स की बात करता है वो दो ही चीजों की बात करता है। कल भी मेरे पास कोई आए थे टाटा प्रोजेक्ट्स के तो बता रहे थे उनको लगा कि भाई हर घर नल का जल होगा तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं तो वो खाली यही बता रहे थे कि भाई हर जगह कैसे एटीएम जो है वो हर जगह जैसे लग जाए। तो मैं कहता हूं कि भाई देखिए वो तो डिस्ट्रीब्यूशन एक पक्ष है ज्यादा पक्ष तो ये है कि भाई कल आप सब जगह जो है वो टैप तो लगा देंगे बट द टैप विल गो ड्राई। तो हमें तो भी हमें खर्चा थोड़े करना है। सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हम इसमें कितने का पाइप बेच सकते हैं हम कितने का स्टोरेज टैंक बेच सकते हैं हम कितने का टैप बेच सकते हैं लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीज है वो तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात है। मतलब सोर्स कैसे सस्टेनेबल रहेगा। और मैं नहीं समझता हूँ बहुत लोग कहते हैं ऐसी स्टडी करें वैसी करें। अभी हमने एक थोड़ा सा वीडियो देखा था वो कहीं अफ्रीका का था उसमें भी उन्होंने टिकट उन्होंने मूवमेंट चला रखा है उसको बोलते हैं टिकट। अब वो कहीं ना कहीं वो रेगिस्तान में भी जहां जरूर जहां जगह मिलती है वो बस गड्ढा खोद देते हैं। लोग कहते थे ना पहले कहते थे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा उसमें पानी गिरेगा बेसिकली तो बस गड्ढा खोद रहे हैं और वहां आस पास दिख रहा है कि हरियाली अपने आप आ रही है। तो जो बात जो अनुपम मिश्रा जी कह रहे थे कि हमने तो मतलब धरती को छेद 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 करके पानी डालने के लिए छेद नहीं किया पानी निकालने के लिए छेद किया। तो अगर आपने छेद किया पानी निकालने के लिए तो फिर पानी डालिए भी। तो हम तो लोगों को यही समझाते हैं कि भाई कुछ भी होता है अब जैसे हम घर पे बजट करते हैं तो हम पहले यही देखते हैं ना कि हमारी आय कितनी है उसके अनुसार हम व्यय कैसे करें। तो दो चीज होती है या तो हम आय को बढ़ाएं जो कि हम अंग्रेजी में कहते हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट कैसे पानी की उपलब्धता बढ़ाएं। दूसरी होती है डिमांड साइड मैनेजमेंट पानी की खपत जो हम कैसे कम करें। तो जैसे घर में करते हैं कि भाई चलो ठीक है अगर हमारी अकेले की इनकम सफिशियंट नहीं हो रही है तो हमने वाइफ को कहा कि भाई तुम भी एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा या घर में जो हम खर्चा कर रहे थे उसमें हमने एक दो चीज काट दी। तो अब ये तो हमारा काम है ना। ठीक है देखिए मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा जैसे वो डैम की बात वो कह रहे थे अब वेदर डैम द डैम सही है कि डैम ही सब कुछ का सोल्यूशन है उस पर मैं जाऊंगा नहीं। आप चाहें भी ना चाहें आप जो है वो डैम ज्यादा बन ही नहीं सकते उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा हमारी समस्या जो है वो डिसेंट्रलाइज कल भी मैंने कहा था हमारी समस्या जो है वो डिसेंट्रलाइज है और हमारी समस्या का समाधान भी है वो डिसेंट्रलाइज ही हमें खोजना पड़ेगा। मुझे याद है अभी भी कि वहीं से एक उधर से कहीं से आते हैं पुष्पेंद्र भाई कहाँ से आते हैं तो एक बार पुष्पेंद्र भाई को मैं क्या करता हूँ कि हर तीसरे फ्राइडे को हमारा एक वाटर टॉक होता है जो कल भी है तो ये तो वाटर टॉक करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरह के लोगों को बुलाते हैं केवल सरकारी लोगों को नहीं बुलाते हैं। तो जैसे एक बार मैंने पुष्पेंद्र भाई को भी बुलाया था तो उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी कही उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे घर पे आग लगी है तो पहले आग बुझाने की कोशिश तो मैं करूँगा ना मैं तो ऐसा नहीं कि घर को आग जलते देखूंगा और ये आशा करूंगा कि जब वो फायर टेंडर आएगा वो जब आएगा तब आग बुझाने की कोशिश करेगी तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा देर हो जाए। और ये मॉडल ने दिखाया है बांदा में मैंने पहला क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही किया इन्होंने तो एक गांव में किया था अब वहां तो कई सौ गांव हैं एक्चुअली उसमें तो 2000 तालाब हैं 7000 कुएं हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई कहां से आपने फंडिंग कैसे की। तो ऐसा नहीं है कि कहीं जो स्कीम्स हैं या ग्राम पंचायत के फंड है मनरेगा है कहीं पे जो श्रमदान है जो धनी लोग हैं उन्होंने कुछ अपने पैसे भी लगाए लेकिन बिना किसी एक नई स्कीम के अगर एक मतलब केवल एक गांव में नहीं गांव में कई बार बात होती है ना गांव तो इनसे पहले भी आप लोगों ने सबने सुना होगा हिबरे बाजार। अब हिबरे बाजार की कहानी तो हर आदमी जानता है और सस्टेनेबल मॉडल भी ऐसा नहीं है। हिबरे बाजार पोपटराव पवार ने आज से पता नहीं 30 साल पहले किया था जब वो यंग वो 18-19-20 साल के सरपंच थे तब उन्होंने शुरू किया था वो आज भी
वो गांव जो है उस गांव की तस्वीर दिखती है अगर पहले की देखे और आज की देखे तो विश्वास नहीं होता है कि केवल पानी के प्रबंधन से कोई जो है वो गांव में इतना बदलाव आ सकता है। उन्होंने दिखा है 300 400 500 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ लोग कहते हैं नहीं नहीं फार्मर्स तो नहीं सुनेगा भैया, जितना भी फार्मर्स को कहें भाई सुनते तो हैं, वहां तो लोग बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस बार हमारे पानी इतनी ही बरसात हुई, पहले बरसात में से इतना पानी हम रख देंगे पानी पीने के लिए, उसके बाद मेरे पास इतना पानी बचता है जो वाटर बस्टिंग की बात करते हैं उससे इस बार हम कितने एरिया में खेती करेंगे और क्या खेती करेंगे। जरूरी नहीं है कि धान की खेती करें, हमने तो भाई धान और खैर ये तो बड़ा विषय है, धान और गेहूं की खेती कर करके तो हमने जहां धान गेहूं की खेती नहीं होती थी, आप सबको पता है कि पंजाब में इस इलाके में जो बात करता है वो कहता है मैं रोटी खा के आ रहा हूँ लंच खाने को, आप चले जाइए वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार में तो कहते हैं मैं भात खा के आ रहा हूँ क्योंकि वहां धान होता था इधर गेहूं होता था। हमने धान पंजाब में उगाना शुरू कर दिया जो कि ना तो वहां का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल सुटेबल नहीं है। अब हम नहीं कहेंगे कि इसमें किसानों की गलती है, भाई गलती तो हमारी भी है, पॉलिसीज की भी गलती है। हम प्रोक्योरमेंट किसकी करते हैं, धान और गेहूं की करते हैं। हम बिजली फ्री किसके लिए देते हैं, धान और गेहूं के लिए देते हैं। तो एनीवे ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने काफी कुछ जो है वो मुझे लगता है कि हमने थोड़ी सी जो एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलपमेंट का होना चाहिए उस पे ना करके हमने हम कुछ ऐसे मॉडल पे चले जो मॉडल मेरे ख्याल से सस्टेनेबल नहीं है। जी जी घंटे के लिए उनके पास जाऊँ इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे मुझे लगता है कि घंटों बातें हो सकती है। लेकिन मेरा अपना एक मानना ये है, जैसे अब ये मैडम कुछ कह रही थी तो मेरा अपना मानना है कि देखिए भाई अंधेरे को पोसने की बजाय जो है ना वो एक दिया जलाना जो है वो ज्यादा है और यही काम जखनी ने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जखनी ने पूरे कोई इतनी बात भी मैं नहीं करूंगा कि इतने मॉडल ये वो सब की बात नहीं करूंगा, बट उन्होंने दिखाया है कि नहीं भाई लेट अस नॉट कि हम उस अंधेरे को बस पोसते रहें, उसके बजाय इन्होंने जो दिया जलाया है। और इसीलिए मैं तो आज नहीं मतलब मुझे तो कोई भी मौका मिलता है तो मैं जखनी की बात भी करता हूँ, मैं अहिरालाल जी की भी बात करता हूँ। एक ऐसा ऑफिसर हम लोग होते हैं ना, हम लोग IAS ऑफिसर पूछते हैं सबसे डायरेक्ट रूट की प्रमोटेड, अब ये बात होती है भाई वो प्रमोटेड ऑफिसर है, कोई अंग्रेजी ढंग की नहीं बोलते, देहाती आदमी है मेरी तरह ही। ऐसे काम कर सकते हैं सर? हाँ नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसी कोई चीज ना करें ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे कि वही तो काम करे, बट मैं कह रहा हूँ कि हम उसकी बात करते हैं और ऐसा नहीं है आज के दिन में जो ये बात हो रही है कि और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। देखिए उधम सिंह नगर एक है, उधम सिंह नगर हम लोग सोचते थे पानी की ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, वहां भी पानी की दिक्कत होने लगी है। जो मैं उससे यही कह रहा था ना, मैं तो ऐसे जगह से आता था कि मैं सोचता ही नहीं था कि पानी की दिक्कत क्या चीज होती है, ये मेरे जहन में कभी आता ही नहीं था। वहां इतनी बारिश होती थी इंडो गैंगेटिक प्लेन, मैं पटना के जस्ट नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन से आता हूँ, जैसा मैं वहां बता रहा था हमारे बच्चे गिर जाते थे कुएं में क्योंकि कुआं ही डूब जाता था पानी में बरसात के दिन में, और ऐसे जो कह रहे हैं ना कि बाल्टी से हम भी पानी निकाल लेते थे, तो हम तो ऐसी जगह से आते थे तो हमको आइडिया नहीं था, तो हम भी नहीं सोचते थे कि उधम सिंह नगर में भी पानी की दिक्कत होगी। अब उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 500 जो बात हुई ना 500 तालाब ऐसे चिन्हित किए जो तालाब जो है वो केवल उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होता है ना केवल कागज पे होते थे, उनका मतलब या तो इंक्रोच हो गए हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई उसको वो सॉलिड वेस्ट के लिए कोई लिक्विड वेस्ट के लिए कर रहा है, उसको आज उन्होंने उसको डी इंक्रोच करके और वो सारे के सारे 200 के फोटो तो मेरे पास आए हैं कि 200 को उन्होंने जो है वो जिंदा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत की समस्या बहुत बड़ी है, भारत कोई सिंगापुर नहीं है, भारत कोई दुबई नहीं है, और सिंगापुर और दुबई का मॉडल शायद हमारे यहाँ उतना नहीं चलेगा। अच्छी चीज कुछ हो रही है तो वो भी हम सीखे, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट भारत जो है वो 100 दुबई है, तो हमारी समस्याएं जो है एक तो नॉट ओनली कि हम बहुत बड़े हैं, हम विभिन्न अलग अलग तरह के लोग हैं, हमारी ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारी जो व्यवस्था है शासन की व्यवस्था ये भी अलग है, तो ये सबको देखते हुए तो समय लगेगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि अगर हम सब कोशिश करते रहें और इस तरह के प्रयास जो हैं आज जखनी से प्रभावित हो गए और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं नील फाउंडेशन से, अब ये तो मुझे रोज दिन भेजते रहते हैं कि कैसे उन्होंने वो अंतवारा क्या जगह है भाई, हाँ अब वो जहाँ से वो
काली निकलती है और वहाँ मतलब काम किए जा रहे हैं, लोग वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, सबको ये जुटा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया हूँ, बट मैं भी जाऊँगा। हमारे एक पुराने मित्र पहले हुआ करते थे यूपी गार्डन में रिटायर करके, वो तो वहाँ तक गए भी थे एक्चुअली। तो इस तरह से हमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो कोशिश ये करनी है कि ठीक है, सरकार अभी होगा, अभी जो 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे एक हम अटल भूजल योजना अभी प्रधानमंत्री के हाथों लॉन्च होगा और उसका मुख्य उद्देश्य यही है। उसका नाम ही है अटल भूजल योजना जो है, वो बेसिकली उसमें दो ही चीज है, एक तो है कि हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और दूसरा जो है डिमांड साइड मैनेजमेंट। हम केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट, वो भी बड़े डैम्स की बात जिंदगी भर करते आए हैं, तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट छोटे स्ट्रक्चर की बात करें, डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करें और पार्टिसिपेटरी इरिगेशन की बात करें। लोग जाने एक्यूफर क्या होता है और एक्यूफर के पास लोग जाएं या लोगों को हम एक्यूफर को लोगों तक ले जाएं। तो वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं अपनी बात खत्म करके या अदरवाइज तो संवाद में रहना चाहता, लेकिन मुझे जानना है क्योंकि उनकी मीटिंग भी 5 बजे खत्म हो जाएगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई अगली बार जब हम मीटिंग में आए ना तो ये प्लास्टिक की बॉटल ना दिखे। हमने अपने यहाँ तो प्लास्टिक की बॉटल ठीक है वो, हाँ, और ऐसा भी नहीं है, हम तो एक बार गए थे किसी कॉलेज में, यहाँ दौलत राम कॉलेज या किसी कॉलेज में गए थे, तो वहाँ मैंने यही बात की जब इसकी बात, तो कहते हैं नहीं तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कैसे करेंगे। हमने कहा भाई 20-25 साल पहले तो कहीं प्लास्टिक की बोतल नहीं होती थी, अभी तो हम सब जिंदा रहते थे। ठीक है, अगर कोई कन्वीनियंस की चीज है हम मानते हैं, लेकिन अगर वो कन्वीनियंस जो है वो कल के हमारे वजूद पे, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए तो हमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस उठा लेनी चाहिए। तो अगली बार ठीक है ये इनका अरेंजमेंट होगा, हमका नहीं होगा, लेकिन अगली बार हम इंश्योर करें कि हम प्लास्टिक का भी यूज ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।